Hello students, welcome to Easy Biology Tutorials and welcome back. And we were dealing with the conduction system of the heart. हमने पिछली क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट एंड हार्ट के बारे में, हार्ट बिहेवियर के बारे में एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द हार्ट, व्हाट आर द डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द conduction system of the heart. Basically, what is meant by the conduction system of the heart? देखो कंडक्शन सिस्टम में होते क्या है, कंडक्शन सिस्टम में हमारे नोड्स होते हैं एंड नर्व्स हैं बेसिकली, जो इनवोलेंटरली आर रेगुलेटेड बाय द सिस्टम ऑफ द हार्ट एंड ब्रेन एज वेल. सो इसके बारे में हम नोडल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे. बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं इसमें, जो क्या करते हैं, हार्ट बीट को रेगुलेट करते हैं. सी स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग द हार्ट रेट ऑफ 72 बीट्स पर मिनट. ठीक है, हमारा जो नॉर्मल रेट है दैट इज 72 बीट्स पर मिनट. बट अगर मैं बात करूं किसी ओल्ड पर्सन की, उसके लिए 80 बीट्स पर मिनट भी क्या है, नॉर्मल है. और अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन इन विच वी आर अफ्रेड, फ्राइट सिचुएशन, बेसिकली सिचुएशन ऑफ द फ्राइट, तो उसमें भी हमारा जो 85 बीट्स पर मिनट एंड अप टू दिस इट इज नॉर्मल अमाउंट है. ये हमारा 72 बीट्स पर मिनट, 80 बीट्स पर मिनट, 85 बीट्स पर मिनट, दिस इज नॉर्मल. ठीक है, तो वॉट इज द थिंग दैट टेल्स कि ये चीज नॉर्मल है या एबनॉर्मल है. This is basically the conduction of the heart. And conduction of the heart में है क्या चीज, conduction of the heart में nodes हैं हमारे and bundles and fibers हैं. So let us read about what they are actually. See, the conduction system of the heart consists of the nodal tissues, bundles and fibers. Nodal tissues are specialized cardiac musculature present in the heart wall. These are special kind of muscular cells. These are a kind of tissues that are present in the heart and they are related with the nervous system of the brain. That's why they are somewhat conducting. That's why they are somewhat nervous and involuntary. Heart ka special musculature hai. Where is it present? It is present in the heart wall. See, the conducting system of the heart is of two types. The sinoarterial node, the SAN, in the right upper corner of the right atrium. The sinoarterial node in the right upper corner of the right atrium. यहाँ पे ये है जो हमारा part. Basically, this part is the right atrium. And right atrium के ऊपर आप देख सकते हो, this is the साइनस नोड. इसको साइनो आर्टेरियल या SAN भी बोला जाता है. एंड देन वी आर हैविंग आर्टेरियो वेंट्रिक्युलर नोड AVN, दैट इज इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टेरियम. सी, दिस इज द राइट आर्टेरियम, आर्टेरियम के अंदर है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर, ये बिल्कुल कोने पे. यू कैन सी इट, लेट मी रेज दिस फर्स्ट ताकि आपको पार्ट अच्छे से विजिबल हो जाए. Now let me mark this with the black color. मैं black color से marking करूंगी अब इसकी. You can see this is the sinus node. It is present at the right atrium, right upper corner, and right atrium के left lower corner पे क्या present है हमारा, AVN, that is arterio. देखो ये क्या है, ये atrium है हमारा, this is the ventricle. This node है जो basically this is present in between. या फिर वी कैन से एट द जंक्शन ऑफ द आर्टेरियम एंड वेंट्रिकल, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टेरियो वेंट्रिकल वेंट्रिक्युलर नोड. एंड इट इज इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द आर्टेरियो वेंट्रिक्युलर सेप्टम. ये आर्टेरियो वेंट्रिक्युलर सेप्टम के पास है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं दिस इज द AVN नोड. सो ओके स्टूडेंट्स, आगे हम चलते हैं. वॉट इज the function of these nodes and what are bundles and fibers. Let us go further. Dekho students, AVN se ek bundle of fibrous arterioventricular bundle, fibrous bundle nikalta hai jisko hum AV bundle bolte hain.
इट पासिस थ्रू द सेप्टा आर्टीरियो वेंट्रिकुलर सेप्टा एंड डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से एवीएन से एवीएन कहाँ है, यहाँ पे हमारे पास बंडल निकल रहा है, बंडल ऑफ फाइबर्स, जिसको हम एवी बंडल बोलते हैं क्योंकि ये एवी नोड से निकल रहा है, दैट्स व्हाई. एंड इट इज डिवाइडिंग इनटू राइट एज वेल एज द लेफ्ट ब्रांचेस. Each of the branch passes through the ventricular walls of this side. तो ये branch क्या कर रही है? Branch, हर जो branch है, that is passing through the ventricular walls of this side. And in the ventricular wall, it breaks up into minute fibers. These are known as the Purkinje fibers. So what are Purkinje fibers? अगर आपको Purkinje fibers पे question आता है, तो Purkinje fibers are the further branching of Purkinje fibers are the further branching of the AV bundle. Okay, Purkinje fibers are the further branching of AV bundle. Sorry, my spelling of branching was wrong. Yes. ठीक है. Now what is bundle of his? Bundle of his. This is Purkinje fibers plus AV bundle. Okay. These fibers along with the bundles are known as the bundle of his. तो ये चीज आपको समझ आ गई. सबसे पहले हमने पढ़ा नोड्स के बारे में. देयर आर टू नोड्स, द साइनो आर्टीरियल नोड दैट इज प्रेजेंट एट द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द हार्ट ऑफ द राइट आर्टेरियम, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टेरियम. देन द लेफ्ट आर्टेरियम, लेफ्ट राइट आर्टेरियम के लेफ्ट लोअर साइड पे क्या प्रेजेंट है? एवी बंडल, एवी नोड. एवी नोड से क्या निकल रहा है? एवी बंडल निकल रहा है. एवी बंडल राइट एंड लेफ्ट ब्रांचिंग में जा रहा है. लेफ्ट वाली साइड भी वो वेंट्रिकुलर वॉल में फर्दर ब्रांचिंग कर रहा है पूरा फैल के. एंड राइट वाली साइड में भी पूरा फैल के वो क्या कर रहा है? ब्रांचिंग कर रहा है. छोटी छोटी ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ Purkinje फाइबर्स. एंड अलॉन्ग विद द AV bundle and the Purkinje fibers, these are known as the bundle of His. I think this is all clear. This is the basic musculature. These are the basic parts of the conducting system of the heart. अगर आपको parts समझ आ गए तो धीरे धीरे करके आपको role भी समझ आ जाएंगे. Role समझ आ गए तो role आपको याद भी हो जाएंगे. Firstly, the first base is to remember the conduction system of the heart के अंदर present क्या कुछ है. उसके बाद आप देख लेना इनका रोल इंडिविजुअली. ओके स्टूडेंट्स, सो यहां पे आ गया हमारा नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हर एक लाइन में से एमसीक्यूज निकल रहे हैं, हर एक लाइन में से एमसीक्यूज निकल रहे हैं. कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. इसलिए इसको कान खोल के, आंखें खोल के समझ लो, कंसेप्ट समझ लो. उसके बाद आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे इसके बेस पे. इसके बेस पे आपको बहुत ईजी क्वेश्चन कभी भी नहीं आने वाले. So please students, take care of this thing that you have to remember these things in a very practical manner apart from the theoretical concept. So nodal tissues generate action potential without any external stimuli. It is the auto excitability. नोडल टिश्यू मतलब एस ए एन और ए वी एन क्या करता है? खुद ब खुद एक्साइट हो जाता है. इसको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, एक्साइट हो जाता है. स्टूडेंट्स, जब एक एक पर्सन की क्लिनिकल डेथ हो जाती है, उसका हार्ट बीट करना बंद हो जाता है, तो उसको हमने देखा है कि इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए जाते हैं. बेसिकली दीज इलेक्ट्रिकल शॉक्स आर टू मेक द पर्सन स्टार्ट अप देयर एस ए एन. एस ए एन जो अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो वो एवीएन को स्टिमुलस दे देगा, एवीएन बंडल ऑफ हिस को, पूरा बंडल ऑफ हिस को स्टिमुलस दे देगा. एंड इन दिस वे अवर हार्ट विल स्टार्ट बीटिंग नॉर्मली. तो जो इलेक्ट्रिकल शॉक्स बेसिकली डॉक्टर्स देते हैं, दे आर टू एक्साइट द हार्ट, दे आर टू मेक द हार्ट वर्क इन अ प्रॉपर मैनर. देखो SAN initiates and maintains the contraction of the heart by generating action potential. Students, action potential क्या है?
ऐसे एंड एक्शन में आता है, वो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है जिसकी वजह से नोडल कोई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आ जाता है नोडल डिफरेंस की वजह से, एंड जिसकी वजह से हमारा हार्ट बीट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना शुरू करता है. स्टूडेंट्स ये हमने पहले क्या पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट के अंदर हमने देखा था दैट देयर आर फोर चैम्बर्स, द रोल ऑफ ईच चैम्बर हमने देखा था. उसके बाद हर रोल को करने के बाद हमने ये अब कंडक्शन सिस्टम का मस्कुलेचर पढ़ लिया है कि व्हाट इज द कंडक्शन सिस्टम, बेसिकली उसके क्या पार्ट्स हैं. अब हम उसकी वर्किंग को पढ़ेंगे, फिर हमें पता चलेगा बेसिकली हमारा हार्ट काम कैसे करता है. ठीक है, हमें ये पता है कि हमारा हार्ट क्या करता है, बीट करता है. बीट जब वो करता है तो वो क्या करता है, उसका एक पार्ट पल्मोनरी बीटिंग करता है, दूसरा पार्ट जो है वो बॉडी पार्ट्स को ब्लड पहुंचाता है ना. इन दिस वे अवर हार्ट बीट्स, बट व्हाट मेक्स द हार्ट बीट, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टुडेज टॉपिक. तो ये आपको याद करना है. सो देखो SAN क्या करता है, इनिशिएट करता है एंड मेंटेन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट बाय जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल. SAN इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज द रोल ऑफ SAN, SAN मेंटेन्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. तो इसको हम पेस मेकर बोलते हैं क्योंकि ये इनिशिएटर है, इसीलिए पेस मेकर ऑफ द हार्ट. तो आपको क्वेश्चन बहुत बार PMT में पूछा गया है, which one is the pacemaker of the heart, SAN, AVN, Purkinje fibers, bundle of His. तो आपको क्या आंसर देना है, SAN. SAN initiates the, yes, initiates the electrical potential, action potential. तो उसी की वजह से उसको क्या बोलते हैं, pacemaker बोलते हैं. and electrical potential जब वो generate करता है तो 70 to 75 times per minute SAN जो है electrical potential generate करता. Okay students, so let us go to the next slide. Next slide में क्या दिया है, let us see. Now this is the cardiac cycle. Cardiac cycle is regulated by the conducting system of the heart. जो heart का conducting system है वही regulate कर रहा है cardiac cycle को. तो हम देखते हैं कि cardiac cycle का क्या चीज है, क्या concept है, क्या funda है. देखो students यहाँ पे the phases of the cardiac cycle, joint diastole. Diastole का मतलब होता है relax करना, arterial systole and ventricular systole. ठीक है, diastole का मतलब होता है relax करना, joint diastole का मतलब हमारा पूरा heart क्या है, relaxed condition में है. and systole का मतलब होता है contract करना. arterial systole मतलब atrium है, वो contraction में है. ventricular systole मतलब ventricular contraction में है. उसके बाद हमारा एक phase आता है जिसमें arterial और ventricles दोनों क्या होते हैं, relaxed state में होते हैं. उसको क्या बोलते हैं हम, joint diastole. इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, so let us start. okay students, so देखो it is the cyclic contraction and relaxation of the heart for pumping of the blood. What is meant by cardiac cycle? ये cardiac cycle की definition है that it is a cyclic contraction and relaxation of the heart in order to make the heart or to keep the heart pumping or to maintain the pumping of the heart or to maintain the transportation of blood throughout the body with the help of heart. So what is the definition of cardiac cycle? It is a cyclic contraction and relaxation of the heart for pumping of the blood, to maintain the pumping of the blood. And it consists of three phases hai. First one is the joint diastole hai, matlab heart is present in the relaxed state. Uske baad sabse pehle kaun contract karega, arterial क्या करेंगे, contract करके arterial contract करके ventricles को blood देंगे and ventricle contract करके respective organs को blood देंगे. This is the these are the three phases of the cardiac cycle and these are very very important. Okay students, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे. See students, this is the joint diastole. सबसे पहले है हमारा joint diastole. Joint diastole के बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं. See students, it is the relaxed state of all the heart chambers. It is the relaxed state of all the heart chambers. Heart के कितने chambers हैं? 4 chambers. Joint diastole के अंदर heart के चारों chambers क्या है?
रिलैक्स्ड हैं. When the tricuspid and the bicuspid valve open, blood flow from the pulmonary vein and vena cava flows into the left and right ventricles. Students, देखो जो vena cava है वो लेके आ रही है सारा blood from the body parts and जो pulmonary vein है वो लेके आ रही है blood from the lungs. तो vena cava अपना blood right part में लेके आ रही है एंड पल्मोनरी वेन हम अपना ब्लड कहाँ पे लेके आ रही है लेफ्ट पार्ट में. वेन्स ने तो अपना ब्लड दे दिया. अब क्या होगा जब बायकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो द बायकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व आर ओपनिंग रिस्पेक्टिवली एंड ये क्या कर रहे हैं ये आर्टेरियल ब्लड को कहाँ पे लेके जा रहे हैं वेंट्रिकुलर ब्लड में. ठीक है आर्टेरियल ब्लड इज सेंट टू द ventricles respectively flows into left and right ventricles respectively through left and right atrium. Semilunar valves are closed at this stage. Semilunar valves कौन से हैं हमारे जो arteries के valves हैं these are closed at this स्टेज. बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो क्या है ओपन है एंड ब्लड रिलैक्स्ड स्टेट में हमारा सारा कुछ पूरा हार्ट हमारा रिलैक्स्ड स्टेट में है. आर्ट्रिया क्या कर रहे हैं वेंट्रिकल्स को ब्लड सेंड कर रहे हैं. क्यों कैसे कर रहे हैं क्योंकि उनका जो कस्प है वो ओपन हो चुका है जो उनका वॉल्व है वो ओपन हो चुका है. ओके तो लेट मी टेल यू नेक्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है. नेक्स्ट पार्ट में वी कैन ऑब्जर्व दैट द SAN इज जनरेटिंग द एक्शन पोटेंशियल एज अ रिजल्ट बोथ द आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट. It is called the arterial systole. जब हमारा वॉल्व ओपन हो रहा है उस टाइम पे क्या होता है SAN ने क्या कर दिया जनरेट कर दिया नोड. SAN is responsible for maintaining the contraction of the heart. तो SAN कब जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल जब cusps ओपन होते हैं जब वॉल्व ओपन होते हैं. SAN generates an electric an action potential as a result both the arteria contract. It is called arterial systole. Arterial systole, systole का मतलब मैंने आपको बोला था to contract. Arteria मतलब arteria जो है वो contract कर रहे हैं. This increases the flow of blood into the ventricles by about 30%. देखो students relaxed state में क्या था when there was a joint diastole the four chambers were in relaxed state. कस्प ओपन वॉल्व्स ओपन हो गए तो क्या हुआ आर्ट्रिया से ब्लड फ्लो करना शुरू कर गया. जब ब्लड फ्लो करना शुरू किया तो SAN ने क्या किया एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया. SAN ने जब एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया तब क्या हुआ तब जो ब्लड का फ्लो था फ्रॉम आर्ट्रियल टू वेंट्रिकल्स आर्ट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड का फ्लो 30% तक इंक्रीज हो गया. ठीक है सो व्हाट इज द रोल ऑफ SAN. SAN इज द फर्स्ट ऑफ ऑल पेसमेकर. पेसमेकर जब वो कंडक्शन शुरू करता है तो होता क्या है बेसिकली इट इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो फ्रॉम आर्ट्रियम टू वेंट्रिकल्स बाय 30%. नेक्स्ट हमारा पार्ट है एंड दैट इज वेंट्रिक्युलर सिस्टोल. यहाँ पे The action potential is conducted to ventricle side by AVN and AV bundle. Action potential जब generate हो गया एक बार तो वो ventricles की तरफ पहुंच रहा है. Ventricles की तरफ पहुंच कैसे रहा है AV node पहुंच आ रहा है. AV node AV पूरा bundle of His के through पहुंच आ रहा है पूरे heart को टू द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर. एंड इसकी वजह से क्या होता है सी SAN क्या कर रहा है SAN आर्ट्रियम्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना शुरू कर रहा है
और SAN के बाद AVN के पास स्टिमुलस पहुंच रहा है, AVN क्या कर रहा है, वेंट्रिकल्स को सिस्टॉल करवाने की कोशिश कर रहा है. So you have to tell first of all who is the pacemaker. SAN is the pacemaker because it is initiating. और initiate कब करता है, जब हमारा पूरा heart क्या होता है, diastole में होता है. Students, whenever the heart is remaining in the diastole stage without any SAN initiation, तो उस चीज को, उस condition को क्या बोलते हैं, heart failure. Heart failure के case में हम electrical shocks देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जो मैं दोबारा से आपको बताती हूँ, एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय AVN एंड AV बंडल फ्रॉम वेयर बंडल्स ऑफ हिज ट्रांसमिट्स इट टू द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर. एज अ रिजल्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कॉल्ड द वेंट्रिकुलर सिस्टॉल. ड्यूरिंग दिस द आर्टेरिया अंडरगो डायस्टॉल. स्टूडेंट्स, अब जब वेंट्रिकल ने सिस्टॉल कर लिया, वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो आर्टेरिया क्या हो गए, रिलैक्स हो गए. तो दिस इज अ साइमल्टेनियस स्टेज, ये आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैं वेंट्रिकुलर सिस्टॉल की बात कर रही हूँ, आर्टेरिया क्या है, डायस्टॉल में है. अगर मैं आर्टेरियल सिस्टॉल की बात कर रही हूँ, वेंट्रिकल्स क्या है, डायस्टॉल में है. अगर मैं जॉइंट डिस्टॉल की बात कर रही हूँ, सॉरी जॉइंट डायस्टॉल की बात कर रही हूँ, तो दोनों क्या है, डायस्टॉल में है. एंड डायस्टॉल एंड सिस्टॉल का मतलब क्या होता है, इट इज, लेट मी राइट इट अप हियर. Diastole means relaxed and systole means contract. Okay. See students, ab ventricular systole increases the ventricular pressure causing the closure of tricuspid and bicuspid wall. ये अब जब ventricles में blood पहुंच गया तो cusp क्या हो गए, close हो गए, so that artery के अंदर backflow of blood ना हो. Semilunar walls open हो जाते हैं, मतलब pulmonary artery का valve भी open हो गया and aorta का जो valve है वो भी open हो गया. Deoxygenated blood enters the pulmonary artery from right ventricle and oxygenated blood enters the aorta from the left ventricle. Okay, so this was all about the conduction system of the heart. Last part reh gaya hamara iska. What is this? What does it tells? It is the ventricles are now relaxed and the ventricular pressure falls, closing the closure of. Jab dekho students, volume kya ho gayi, decrease. To pressure kya ho gaya, increase. ठीक है, प्रेशर अगर फॉल हो गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज, क्योंकि जब ये डायस्टॉल स्टेज में है. स्टूडेंट्स ये देखो, लेट मी टेल यू वन थिंग, डायस्टॉल का मतलब क्या होता है, हम रिलैक्स स्टेज में है, रिलैक्स स्टेज में हम लग्जरी स्टेज में होते हैं, हम बहुत ज्यादा फैले होते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज्ड, प्रेशर डिक्रीज. Next thing is the systole. Systole is equals to contraction is equals to volume decreased, pressure increased. I think आपको इतना नोट कर लिया होगा आपने सिस्टॉल एंड डायस्टॉल के बारे में. देखो, the ventricles are now relaxed, ventricular diastole है इसका मतलब, and the ventricular pressure fall closing the causing the closure of the semilunar walls which prevent the backflow of the bloods to the ventricles. Semilunar walls मतलब respective arteries के wall क्या हो गए हैं, close हो गए हैं. Tricuspid and bicuspid wall, देखो students, यहाँ पे pressure fall हो गया तो ये वॉल्स क्या कर जाएंगे, ओपन कर जाएंगे, फिर से आर्टेरिया से ब्लड आना शुरू हो जाएगा एंड फिर से यही जो साइकिल है वो क्या करेगा, कंटिन्यू करी जाएगा फॉर द होल ऑफ द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. यही होती है कार्डियक मसल्स, यही होती है जो इन्वॉलेंट्री मसल्स होती है. कार्डियक मसल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इन्वॉलेंट्री मसल्स, ये चीज आप पढ़ोगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में. कई स्टूडेंट्स पढ़ भी चुके हैं एंड कई थोड़े से स्टूडेंट्स ने पढ़ना है अभी. सो दिस इज अ थिंग. ओके चलो, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट.
यहाँ पे आपको देखना है कि वेंट्रिकल्स एंड आर्ट्रिया अगेन अंडरगो जॉइंट डायस्टोल एंड कार्डियक साइकिल इज रिपीटेड. स्टूडेंट्स कार्डियक साइकिल इज रिपीटेड इन 0.8 सेकंड. 0.8 सेकंड में एक हार्ट बीट हमारी हो जाती है एंड एवरेज जो हार्ट बीट है दैट इज 72 बीट्स पर मिनट. Just wait, students. यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं, दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट. जस्ट वेट